मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में दिन शनिवार को सिरोंज न्यायालय द्वारा विधिक सहायता साक्षरता शिविर का आयोजन ग्राम टोरी बागरोथ की निचली बस्ती में किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए न्यायिक दंड अधिकारी रूपेश नायक द्वारा कहा गया कि न्याय पाना सबका अधिकार है, शासन की मंशा है कि सभी को विधि की जानकारी हो। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने जनसंख्या वृद्धि एवं गंभीर बीमारियों पर एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के उपाय बताए एवं अन्य विधि संबंधी जानकारी भी ग्रामीणों को दी। एडवोकेट मुश्ताक खान द्वारा गरीबी उन्मूलन से संबंधित विधि की जानकारी दी। एडवोकेट राजकुमार शर्मा द्वारा मोटर अधिनियम घरेलू हिंसा एवं अपराध से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी। एडवोकेट अख्तर खान द्वारा नाबालिग बच्चों की शिक्षा एवं यौन उत्पीड़न के संबंध में विधि संबंधी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि परशुराम पटेल, बली मोहम्मद खान, अतीक खान, मांगी लाल, जफर खान, तुलसी पाल आदि मौके पर उपस्थित थे। अभी आपने देखी खबर। एसएस के लिए हमारे संवाददाता अशोक शर्मा की मध्य प्रदेश की विदिशा जिले की तहसील सिरोंज से एक रिपोर्ट। देश विदेश की इसी तरह की मनोरंजक और ताजी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और खबर एसएस की सारी अपडेट समय समय पर पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें।